हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरीडे स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी रेलवे एंड एसएससी की एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस्ड क्वेश्चन का, जिसमें आपके दो टाइप आते हैं। फर्स्ट टाइप में जिसमें आपको सेविंग जो है वो सेम दी जाती है क्वेश्चन में, एंड सेकेंड टाइप वो होता है जिसमें आपको सेविंग जो होती है वो डिफरेंट दी जाती है। तो पहले हम यहाँ पर टाइप वन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पर्सन दिए हुए हैं, ए एंड बी, जिनकी इनकम का जो रेशियो है वो दिया गया है 5:4 एंड एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है यानी कि खर्च का रेशियो है 4:3। अगर यहां पर दोनों जन सेव करते हैं 1000 रुपीज, यानी कि उनकी सेविंग जो है वो दोनों की सेम है, ए एंड बी दोनों यहां पर 1000 रुपीज सेव करते हैं, तो हमें यहां पर फाइंड करना है ए की अर्निंग। तो यहां पर ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें सेविंग आपको सेम दी जाती है, तो मैं आपको यहां पर दो मेथड बताता हूं। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल मेथड यानी कि एक्स वाली मेथड, एंड सेकंड यहां पर बात करेंगे हम शॉर्ट मेथड, जो कि मैंने यहां पर एक लिख रखी है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं पहले तो ट्रेडिशनल मेथड से आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि आपके इनकम जो होती है उसमें से अगर आप आपकी सेविंग को माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है आपका एक्सपेंडिचर, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि अगर आपकी इनकम जो है उसमें से आप अपने खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो आपको मिल जाती है आपकी सेविंग। तो अगर आप यहां पर ए की एंड बी की जो है यहां पर इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर जो है उसका अगर रेशियो ले लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि अगर आप ए की इनकम जो है उसमें से अगर आप ए की सेविंग को माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाती है ए की एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहां पर जो है बी की इनकम को लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं बी की सेविंग को तो आपको मिल जाता है यहां पर एक्सपेंडिचर बी का। तो इसी तरह से अगर आप यहां पर वैल्यूज जो है इसमें दी गई वो पुट कर देते हैं और मान लेते हैं कि इनकम जो है वो एक्स है, तो आप यहां पर जब पुट करेंगे तो आपका यहां पर आएगा 5x-1000, बिकॉज यहाँ पर ए की सेविंग जो है वो 1000 है। इसी तरह से अगर आप बी का देखते हैं तो बी की इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x है एंड -1000 है यहाँ पर। इसी तरह से इक्वल्स टू में आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर, तो आपका यहाँ पर 4:3 हो जाता है ए एंड बी का। तो ये जो है आप इस मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एंड आप यहाँ पर ए की अर्निंग यानी कि 5x है तो 5x में यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करके आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। तो एक तो ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड हो जाती है जो कि थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट में करना है तब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है सॉल्यूशन, इनकम जो है वो आपकी यहाँ पर दे रखी है 5:4 के रेशियो में एंड एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी है 4:3, तो हमने एक्सपेंडिचर यहाँ पर लिख ली है। और आपको पता है कि इनकम में से आपका खर्च जब आप माइनस करते हैं तो आपको मिल जाती है सेविंग, तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो आपको मिल जाएगी 1 सेविंग, जो कि ए की सेविंग का रेशियो है। एंड इसी तरह से बी का अगर आप देखेंगे तो 4-3=1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो सेविंग जो है वो सेम मिल रही है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर दोनों की सेविंग जो है वो भी यहाँ पर 1000 रुपीज बिल्कुल सेम दे रखी है। तो जब आपको ये दोनों रेशियो में सेम मिल रही हो, ए एंड बी की सेविंग, और यहाँ पर भी सेविंग जो है वो दोनों की सेम दे रखी हो, तो आपको डायरेक्टली कंपेयर कर देना है इस रेशियो को इस 1000 के साथ में, यानी कि ये रेशियो को जो भी वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पर हो जाएगी आपकी 1000 रुपीज दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं। तो आपको यहां पर फाइंड करना था ए की अर्निंग, तो ए की अर्निंग आप देख सकते हैं ये वाली है, ये 4 जो है वो बी की अर्निंग है, ए की अर्निंग यहां पर 5 रेशियो है, तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 1000 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 5000 रुपीज। चलिए अब यहां पर सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर तो सेकंड एग्जांपल के अंदर यहाँ पर आपको जो है 3 पर्सन देके रखे हैं, ए बी एंड सी, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 7:5:3 है एंड उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 5:3:1। अगर यहाँ पर सारे जन जो है यानी कि ए बी और सी तीनों यहाँ पर सेव करते हैं 1000 रुपीज़, यानी कि तीनों का यहाँ पर सेम जो है वो दे रखा है सेविंग को, तो फाइंड द एज इनकम, तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है ए की इनकम को, यानी कि हमें 7 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसे भी हम यहाँ पर रेशियो से करके देखते हैं। तो इनकम का रेशियो हमने लिख लिया है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर जो है वो भी रेशियो लिख रखा है। तो जैसा कि आपको पता है आपके इनकम में से अगर आप हम यहाँ पर हमारे खर्च को माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाती है सेविंग, तो इसकी ए की इनकम में से यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो 5 रेशियो है, तो 7 में से 5 जाएगा तो उसका जो 2 रेशियो है वो उसकी सेविंग होगी ए की। इसी तरह से बी की जो 5-3=2 आ रहा है और सी की यहाँ पर 3-1=2 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको तीनों की सेविंग जो है वो सेम मिल रही है और तीनों की सेविंग जो है वो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में 1000 यानी कि तीनों की सेम ही दे रखी है, तीनों सेव करते हैं 1000 रुपीज़, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो आपको सिंपली क्या करना है इस 2 को कंपेयर कर देना है इस 1000 के साथ। देख लीजिएगा कि अगर ये आपको ये सेम नहीं मिलता है, यहाँ पर 3 मिल जाता है, तब आप यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, तब आपको कुछ और करना है जो कि मैं इसके आपके नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। अगर आपको सेम मिलता है तभी आपको ये करना है कि 2 रेशियो की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर जो है आपकी हो जाएगी 1000 रुपीज़, बिकॉज आपकी यहाँ पर तीनों की सेविंग आप देख सकते हैं a:b:c=2:2:2, यानी कि तीनों की सेविंग सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तभी आपको इन दोनों को कंपेयर कर देना है। तो 2 रेशियो की वैल्यू डायरेक्टली आपकी हो गई 1000, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 500। तो आपको फाइंड करना था ए की इनकम,
तो ए की इनकम देख सकते हैं आप यहाँ पर 7 रेशियो है, बी की 5 रेशियो और सी की 3 रेशियो। तो आपको जिसकी भी इनकम फाइंड करनी है तो उसका डायरेक्टली रेशियो कितना है, 7 रेशियो। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3500। तो ये आपकी ए की इनकम हो जाएगी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है वो आपको सेम नहीं मिलेगी सेविंग। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो देखिए यहाँ पर इनकम का जो रेशियो है 2% ए एंड बी वो दे रखी है 2:3 एंड एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 5:9। अगर यहाँ पर दोनों जन जो है वो सेविंग सेम करते हैं 600 रुपीज़, यानी कि आपको सेविंग जो है वो दोनों की सेम दे रखी है 600 रुपीज़, तो आपको फाइंड करना था यहाँ पर बी का एक्सपेंडिचर। देख सकते हैं ये इनकम का रेशियो था और ये एक्सपेंडिचर का था, जिसमें ए की एक्सपेंडिचर 5 है और बी का यहाँ पर 9 रेशियो है, यानी कि आपको 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखेंगे अगर आप, तो इनकम ये रही हमारी 2:3 देके रखी थी ये रही, और एक्सपेंडिचर जो है वो आपको यहाँ पर 5:9 देके रखा था, तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख ली है। अगर आप यहाँ पर आप देखते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने पर आपको मिलती है यहाँ पर सेविंग, तो अगर सेविंग का आप रेशियो देखेंगे तो 2 में से 5 जाएगा तो आप मान सकते हैं 3 एंड 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि आप देख सकते हैं ये दोनों आपको यहाँ पर जो है वो रेशियो में सेम नहीं मिल रहे थे। ए की सेविंग आपको मिल रही थी 3 एंड बी की यहां पर जो सेविंग है वो आपको मिल रही थी 6, यानी दोनों सेम नहीं थे, बल्कि हमें तो यहां पर क्या चाहिए कि दोनों यहां पर सेम चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसका पहले डिफरेंस लेना है, आपको ये स्टेप हटा देना है, आपको पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो वो मिल गया आपको 3 - 2 = 1। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो वो 9 - 5 = मिल जाएगा 4। अब इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को, एंड सेकंड जो ऊपर वाले का जो डिफरेंस था उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको नीचे वाली टर्म्स को, यानी कि अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2:3 रेशियो को तो आपको हो जाएगा 8:12 रेशियो, एंड इसी तरह से डिफरेंस 1 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 5:9 से तो वो यहाँ पर सेम का सेम रहेगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस था उससे हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो आपको अब देखना है कि सेविंग क्या है, तो अब आपको यहाँ पर सेविंग जो है वो एग्जैक्टली सेम मिल जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है तो आपको ये चीज़ पता ही होगी। तो आप देख सकते हैं अगर आप अब डिफरेंस लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सेविंग। तो आप देखेंगे कि इनकम यहाँ पर ए जो है ये ए है और ये बी है यहाँ पर, तो ए की जो इनकम है वो 8 है और एक्सपेंडिचर 5 है, तो आपका यहाँ पर सेविंग मिल जाएगी 3। इसी तरह से बी का 12 - 9 = 3। अब आप देख सकते हैं आपको दोनों की सेविंग सेम मिल चुकी है, रेशियो में भी सेम है, और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर अमाउंट दे रखा है वो भी दोनों यहाँ पर सेव कर रहे हैं 600, यानी कि ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो आप डायरेक्टली 3 रेशियो की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 600। तो 3 रेशियो की वैल्यू अगर 600 है, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाती है 200। आपको फाइंड क्या करना था, एक्सपेंडिचर ऑफ बी यानी कि बी का खर्च कितना है। तो आपने देखा था यहाँ पर 9 रेशियो की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई दोनों साइड में यहाँ पर 9 कर देंगे तो आपको मिल जाएगी 1800, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 200 है तो 9 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1800 रुपीज़। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको सेविंग जो है वो डिफरेंट दी जाती है तब आपको क्या करना है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो देखिए जब भी आपको सेविंग डिफरेंट दी हो, यानी कि आपको एक ही सेविंग अलग दी हो, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर 2% है ए एंड बी, जिनकी इनकम का जो रेशियो है वो 5:6 है एंड इनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का जो रेशियो है वो है 3:4। अब देखिए यहाँ पर एक ही जो सेविंग है वो दे रखी है यहाँ पर 1800 रुपीज़ एंड बी की सेविंग जो है वो दे रखी है 1600 रुपीज़, यानी कि दोनों की सेविंग यहाँ पर क्या है, डिफरेंट दे रखी है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको आपकी ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको बताई थी सबसे पहले जब हमने यहाँ पर सेविंग सेम थी उसमें जो यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, यानी कि कि वो एक्स वाली मेथड आपको लेनी है। उससे थोड़ा सा लेंथी पड़ता है बट आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट ही मिलता है, बट आप रेशियो से करेंगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट पड़ेगा और आपका यहाँ पर टाइम जो है वो काफी सारा सेव हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ए की जो सेविंग है वो 1800 है एंड बी की सेविंग यहाँ पर 1600 है, और आपको फाइंड करनी है बी की इनकम। तो इनकम का रेशियो आपका कहाँ था, ये रहा 5:6 और बी की यानी कि ये ए की इनकम है 5 रेशियो और 6 रेशियो जो है वो बी की इनकम है, यानी कि आपको 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, इनकम में से सेविंग जाती है तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर रह जाता है आपका, और इनकम में से सेविंग बी की जाएगी तो बी का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों का सिंपली रेशियो ले लिया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब क्या किया कि इनकम जो है मान लेते हैं कि उसके जो है वो एक्स है, इनकम एक्स है, इस तरह से हमने यहाँ पर मान लिया है, एक एज्यूम्पशन ले लिया है। तो अब आप देखेंगे इनकम जो है ए की वो यहाँ पर 5 थी, तो 5x माइनस ए की सेविंग जो है वो 1800 है, तो माइनस 1800 डिवाइड बाय बी की इनकम यहाँ पर 6 थी, तो 6x माइनस बी की सेविंग यहाँ पर 1600 है, तो 1600 इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए बाय एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो डायरेक्टली गिवन है 3:4, तो 3:4 ले लिया हमने यहाँ पर। अब बस डायरेक्टली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, पता है 4 को यहाँ पर और 3 को यहाँ पर ले जाना है, ठीक है। तो अब अगर आप करेंगे तो आपको x बराबर डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी इसकी 1200 एंड 1200 रुपीज़ मिलती है। तो आपको फाइंड करना है बी की इनकम, बी की इनकम जैसा देख सकते हैं यहाँ पर 6x है, तो 6x, तो x बराबर आपको मिल गया है 1200, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा,
जाएगा आपका 7200 रुपीज। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको दोनों टाइप बता दिए हैं कि आपको अगर सेविंग सेम दी जाती है तब आपको ट्रेडिशनल से किस तरह करना है एंड शॉर्ट में आपको रेशियो से किस तरह करना है, एंड अगर आपको यहाँ पर सेविंग डिफरेंट दी जाती है तब आपको ट्रेडिशनल ही लेके फॉलो करना है। तो बस यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पर देखेंगे कुछ और चैप्टर्स के। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।